हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 17वां चैप्टर भगवत गीता का, जिसका नाम है श्रद्धा के तीन विभाग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा सदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवन् श्री राधाकृष्णपादान् सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां श्रीललिताविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वांचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारिं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 17, जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। तो अध्याय 17 स्टार्ट करने से पहले हम 16वें अध्याय में भगवान ने क्या बोला उसका जस्ट थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। भगवान ने 16वें अध्याय में बोला कि दैवी तथा असुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं, जिसमें दैवी लोग जो शास्त्रों का पालन करते हैं वो दैवी लोग हैं, और जो शास्त्रों का पालन नहीं करते वो असुरी लोग हैं। और भगवान ने ये भी बताया कि दैवी और असुरी स्वभाव के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, ठीक है, उनका लक्ष्य क्या है, उनके कर्म फल कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका विचार कैसा होता है, और उनके लक्षण बताएं, ठीक है। लेकिन भगवान ने इस 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने एक वस्तु बताई, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो अभी हम अगले 17वें अध्याय में हम आगे बढ़ सकेंगे। भगवान ने ये कहा कि जो शास्त्र को आदर्शों की अवहेलना करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न परम गति प्राप्त होती है। तो भगवान ने ऐसा असुर व्यक्तियों के बारे में बताया कि जो शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करता, अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो उनको असुर नहीं है एक्चुअली। ऐसे शास्त्रों का पालन नहीं करते, अपने मनमाने ढंग से करते हैं, परंतु शास्त्र को आदेशों की अवलंबन करते हैं, ना उसे सुख ना परम गति मिलती है। तो भगवान ने अभी अर्जुन का यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रश्न उठता है। अर्जुन क्या प्रश्न कर रहा है यहाँ पे इस अध्याय के इस श्लोक में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम सबके लिए। और इस प्रश्न को जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं, हम असुर हैं, दैवी हैं, या कुछ और थर्ड कैटेगरी है यहाँ पे। इसीलिए इस अध्याय का नाम है त्रिविधा, है ना, तीन जो विभाग हैं श्रद्धा के, तो उसका इसीलिए ये नाम दिया गया इस चैप्टर का। तो अर्जुन का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो लोग शास्त्रों को छोड़ते हैं और जो श्रद्धा उनकी अच्छाई में होती है, एक्चुअली हम पढ़ते हैं इसका श्लोक का पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमहो रजस्तमः। यानी क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है, या तमोगुणी है। अभी भगवान ने सीधा सीधा यहाँ पे अर्जुन ने पूछ लिया प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा, जो शास्त्रों के हिसाब से पूजा नहीं करते हैं, अपने मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, तो उनका क्या होता है, है ना। यहाँ पे भगवान ने एक्चुअली, यहाँ पे अर्जुन ने एक तीसरी कैटेगरी ला दी सामने कि उनको आगे ना, आप एक्चुअली शास्त्रों के हिसाब से जो नहीं कर रहा लेकिन पूजा करता है, जिसका मानना अच्छाई में है, लोगों का अच्छा करो बुरा ना करो, है ना, और अच्छाई में बिलीव करते हैं, और हम यह समझते हैं कि जो लोग अच्छाई में बिलीव करते हैं वो एक्चुअली में रियली में अच्छाई अच्छे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आज इस अध्याय में भगवान ये सब क्लियर कर देंगे, क्योंकि वो जो अच्छाई कर रहे हैं वो अपने मनमाने ढंग से अच्छाई कर रहे हैं, वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं कर रहे। तो अच्छे या बुरे हैं ऐसे लोग, भगवान से पूछ रहा है, ऐसे लोग कौन से हैं, सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, आप मुझे बताओ, और ऐसे लोग अच्छे हैं तो ऐसे लोगों का क्या होता है, ये प्रश्न है एक्चुअली अर्जुन के। तो 16वें अध्याय में क्या बताया गया, पहले हमने देखा कि जो व्यक्ति दैवी गुण वाले हैं वो शास्त्रों के हिसाब से पूजा करते हैं, और जो असुर लोग हैं वो क्या करते हैं कि शास्त्रों को नहीं मानते हैं,
और अपने हिसाब से कार्य करते रहते हैं, असुरी कार्य करते हैं, वो लोग असुरी हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे समाज में अच्छाई का कार्य करते हैं, फिलैंथ्रोपिक वर्क बोलते हैं ना, जिसको हॉस्पिटल खोल दिया है ना, वृद्धाश्रम खोल दिया, अनाथाश्रम खोल दिया, ऐसे लोग भगवान उनको भगवान से पूछ रहा है अर्जुन की अच्छे हैं या बुरे हैं, और ऐसे लोग कौन हैं या बीच वाले हैं, ठीक है ना, बीच वाले। यहाँ पे अर्जुन ने थर्ड कैटेगरी बताई जो भगवान ने 16वें अध्याय में नहीं बताई थी। तो अर्जुन अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना इंटेलिजेंट है देखो अर्जुन, कि उसको पता था कि कलयुग में आगे आने वाले युगों में ऐसा होने वाला है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे हम अपनी अच्छाई करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, हमें शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस अध्याय में भगवान इन इन लोगों के बारे में बताते हैं, लेकिन पहले इन लोगों के बारे में बताते हैं वो कैसे होते हैं, और आगे भगवान ये भी बताएंगे कि ऐसे लोगों का होता क्या है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे थर्ड कैटेगरी की बात हो गई। तो आइए हम इसका थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर अगले भगवान क्या अपना ये देते हैं, है ना, कि यहाँ पे बता रहे हैं कि 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि शास्त्रों का नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति हो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता है जो शास्त्रों में उल्लेख न हो तो उसकी स्थिति क्या होगी। देखिए आगे ना श्रील प्रभुपाद ने यही समझा दिया कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन तो नहीं करता है लेकिन अच्छा ही करता है ना, तो उसकी कतिपय नियमों का पालन करता हो यानी अपने हिसाब से अच्छाई मानता है जिसको, ऐसे लोगों का क्या होगा, ठीक है। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं अगले श्लोक में, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैवी तामसी चेतिम तां श्रुणु। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि हे भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो, भगवान ने अभी यहाँ पे श्रद्धा के विभाग भी बताए। भगवान ने यहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि भगवान ने यहाँ पे क्या कह दिया कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, भक्त होते हैं जो शास्त्रों में श्रद्धा करते हैं वो, जो दूसरे यानी जो दैवी वो भक्त हैं वो दैवी प्रकार के लोग हैं, और अभक्त हैं जो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं करते और अपने मन से ही कार्य करते रहते हैं, सॉरी शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते और शास्त्रों के हिसाब से कार्य नहीं करते। और पर भगवान यहाँ का किसका क्या पॉइंट उठा रहे हैं, एक्चुअली श्रद्धा का पॉइंट उठा रहे हैं ना, तो भगवान ने यहाँ पे श्रद्धा का पॉइंट उठाया। क्या है श्रद्धा, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अपने पिछले कर्मों के हिसाब से अपने स्वभाव के हिसाब से श्रद्धा करता है। यहाँ पे बताया ना भगवान ने क्या बताया, श्रद्धा देही नाम स्वभावजा, यानी जिसको ये देह मिला है जिसको ये शरीर मिला है उसमें किसी न किसी के ऊपर तो श्रद्धा होती है। सिंपल एक एग्जाम्पल है, हम बाल कटाने जाते हैं तो हमारी श्रद्धा किसके ऊपर होती है, एक नाई के ऊपर श्रद्धा होती है ना कि वो मेरा गला नहीं काटेगा। तो सिमिलरली हमारी किसी न किसी के ऊपर श्रद्धा होती है, तो अपने पिछले कर्मों के हिसाब से पिछले जन्म के हिसाब से है ना वो अपनी श्रद्धा उसके कैरी ऑन होती है। तो तीन प्रकार की श्रद्धा का भगवान ने यहाँ पे वर्णन किया है, ठीक है। तो है ना जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं, तात्पर्य प्रणाम श्रील प्रभुपाद की जय, लेकिन आलस्य या कर्म विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते वो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा शासित होते हैं। यानी जो शास्त्रों द्वारा शासित नहीं है वो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा शासित होगा, लेकिन वो कंट्रोल्ड है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अपने सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनेक विशेष कर्मों के प्रकार का स्वभाव प्राप्त होता है ना। आज्ञा ने यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करता है। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है, यानी हम विभिन्न गुणों के साथ हमारी यह संगति जो है, हमारा एसोसिएशन जो है वो चला रहता है। 13वें अध्याय का एक श्लोक है कि व्यक्ति जो है उसको जीवन, अगला जीवन जो मिलता है वो प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि वो कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मेशु, है ना, कारणम गुण संगस्य, गुण संगत के कारण के हिसाब से वो उसको अलग की अलग अलग योनियां मिलती है, सत और असत योनियां मिलती है, ठीक है। अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है, प्रकृति के गुणों के अनुसार यानी जैसा उसका स्वभाव होगा उस हिसाब से वो मनोवृत्ति अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है तो तथा शास्त्र के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है। हमें प्रमाणिक गुरु और शास्त्रों की संगति करनी होगी तो हमारी क्या होगी, मनोवृत्ति बदल जाएगी और हम क्रमशः क्या, शुद्ध सत्वगुण में विशुद्ध सत्वगुणी, जिसको निर्गुण कहते हैं, है ना, निर्गुण प्रकार का टाइप हो जाएगा जो शुद्ध विशुद्ध सत्वगुण में आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी विशेष गुण के अंधविश्वास करने पर हर व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता,
उसे प्रामाणिक गुरु युक्ति में संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों का विचार करना होगा, तभी उच्चतर गुण की स्थिति प्राप्त हो सकती है। या इसके ये तात्पर्य की ये लाइन पढ़ के मेरे को भगवद गीता का एक श्लोक याद आता है कि भगवान कहते हैं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कह रहे हैं कि तद्विती प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिनम। यानी जो व्यक्ति तद्विधि प्रणिपाते न, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न पूछो परिप्रश्न न, और अपने बारे में जान लो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरा उनके साथ संबंध क्या है। ठीक है, ये अगर आप जान गए तो फिर आप ऐसे क्यों, उनसे प्रामाणिक गुरु से ही पूछना है, ना कि किसी से भी पूछना है ढोंगी बाबा के साथ। तो हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाके उनसे पूछना है और क्या करना है कि अपने आप को इस प्रकृति के तीन गुणों के से ऊपर उठना है हमें, ठीक है, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठना है। अभी इस ये तो श्रद्धा के तीन विभाग भगवान ने बता दिए, लेकिन भगवान आगे क्या बता रहे हैं। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है, और अपने अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त तो कहा जाता है। अभी यहाँ पे जो भगवान क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग श्रद्धा करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नहीं, कुछ ना कुछ श्रद्धा होती ही है लोगों में। ठीक है, तो ये श्रद्धा मिक्स होती है, किसी में ऐसा नहीं है कि हम में तीनों श्रद्धा है, हम तीनों गुणों से बने हुए हैं, रजोगुणी तमोगुणी और सतोगुणी श्रद्धा हमारे में भी है, सब में होती है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि सतोगुणी श्रद्धा जो है वो प्रधान होती है, किसी में तमोगुणी श्रद्धा प्रधान होती है, तो किसी में क्या होती है रजोगुणी श्रद्धा प्रधान होती है, लेकिन तीनों श्रद्धाएं एक व्यक्ति में होती है। तो अर्जुन ने ये है ना पूछा भगवान से, कुछ एग्जाम्पल है इसका, मतलब आप कुछ एग्जाम्पल दे सकती हो कि ऐसे लोग प्रधान होते हैं तो उनमें क्या, उनके कार्य कैसे होते हैं, तो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम है ना श्रद्धा शब्द को समझते हैं क्या है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में श्रद्धा शब्द को समझा रहे हैं, हम पढ़ेंगे उस तात्पर्य को। ठीक है, इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। प्रबल यानी जो मेन श्रद्धा है वो सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है, किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। भौतिक जीवन में कोई भी कार्य शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। वो शुद्ध सात्विक इसलिए नहीं होते क्योंकि हम भगवान को छोड़ के आए, भगवान को भूल चुके हैं। ठीक है, शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। अगर आप भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि शुद्ध सत्व गुण में रह के भगवान को समझ सकते हो, शुद्ध सत्व गुण में आ जाओगे। और जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित रहता है ना। हम प्रकृति के किसी भी गुणों से श्रद्धा दूषित रहती है जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते, और धीरे धीरे वो हम आगे आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैले जाते हैं, अतएव किसी विषय गुण संपर्क में रहकर किसी जिस स्थिति में होता है उसी श्रद्धा अनुसार श्रद्धा प्राप्त होती है। यानी ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा क्या होती है, जिस गुण में रहता है उस प्रकार से उसकी श्रद्धा प्राप्त होती रहती है। यह समझना चाहिए कि किसी के हृदय सत्वगुण में स्थित है उसकी श्रद्धा सत्वगुणी है, यदि रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है ना, हमने देखा ना, जो बोलता है मैं अच्छी अच्छी काम करूंगा लेकिन शास्त्र को नहीं मानता, वो व्यक्ति सात्विक है, वो भक्त नहीं है, वो व्यक्ति सात्विक है ना, वो व्यक्ति भक्त नहीं कहा जा सकता, वो भगवान का भक्त नहीं कहा जा सकता। जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर क्या है, वो बहुत पैशनेट होते हैं अपने खेल के बारे में, तो उनमें तीनों गुण हैं, लेकिन क्या है, वो रजोगुण उनमें प्रधान है। और जो लोगों को मीट मांस मच्छी खाते रहते हैं पूरा दिन है ना, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, वो उसमें भी तीन श्रद्धा है, लेकिन उसमें प्रधान श्रद्धा कौन सी है, तमोगुणी श्रद्धा प्रधान है। तो ये बताना चाह रहे हैं श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में। फिर अगला श्लोक में, पहले हम इसका लास्ट पढ़ते हैं, यदि रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुण में स्थित होती है, और तमोगुण में स्थित है तो उसकी तमोगुण श्रद्धा तमोगुणी है। इस प्रकार संसार के विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार के श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार धर्म होते हैं, और धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है। लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अब यहाँ पे अर्जुन के मन में प्रश्न उठा होगा कि चलो ठीक है, आपने श्रद्धा की बात तो कर ली, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या देंगे आप, है ना। तो भगवान ने आगे
एग्जाम्पल देते हैं कि क्या होता है, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। और ये अगला श्लोक जो है ना, चौथा श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली राजसिक श्रद्धा क्या है, तामसिक श्रद्धा क्या है और सात्विक श्रद्धा क्या है, और ऐसे लोग करते क्या है, ठीक है। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। अभी इसको हम समझेंगे, ठीक है, पहले ये समझेंगे और उसके बाद इसका जो तात्पर्य है वो पढ़ेंगे। इसके तात्पर्य में इसमें एक्चुअली सात्विक श्रद्धा का मतलब क्या है, सत्वगुणी श्रद्धा का मतलब क्या है, देवताओं की पूजा करता है, शास्त्र को नहीं मानता है ना, लेकिन क्या करता है, वो देवताओं की पूजा करता है, क्योंकि शास्त्रों और वेदों में तो सिर्फ कृष्ण की पूजा लिखा गया कि आप सिर्फ कृष्ण की पूजा करो। भगवत गीता भी यही बताती है, भागवतम भी यही बताती है, चैतन्य चरितामृत भी यही बताता है, उपदेशामृत भी यही बताता है, आप पद्म पुराण भी यही बताता है ना, ब्रह्म नारदीय पुराण भी यही बताता है, ब्रह्म संहिता भी यही बताती है, हर जगह यही बताया कि आपको पूजा सिर्फ कृष्ण की करनी है। लेकिन जो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित है, अच्छा ही करता है, अपने मन माने ढंग की अच्छा है, शास्त्रों के हिसाब से अच्छा ही नहीं, अपने मन के हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है, मैं लोगों की मदद करूं, ये करूं वो करूं, वो अपने मन की इच्छा से जो अच्छाई करता है, ऐसा व्यक्ति सात्विक है, वो भक्त नहीं है। हर मंदिर में आने वाला व्यक्ति भक्त नहीं होता, ये समझ लीजिएगा, ये 100% है। यहाँ पे हर व्यक्ति जो मंदिर में जाता है वो व्यक्ति भक्त नहीं होता, उसको अंदर से लगता है मैं भक्त हूँ, और देखने वालों को ऐसे लगता है कि वो भक्त है, लेकिन वो व्यक्ति भक्त नहीं होता। जो शास्त्रों का पालन करता है वो ही व्यक्ति भक्त होता है। लेकिन जिसकी श्रद्धा सात्विक है और शास्त्रों में मानता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, वो कृष्ण की पूजा करता है। लेकिन जिसकी श्रद्धा सात्विक है और शास्त्रों में नहीं मानता, अपने मन माने ढंग से देवी देवताओं की पूजा करता है, तो जिसकी श्रद्धा सात्विक और शास्त्रों में मानता है उसको क्या बोलते हैं, निर्गुण श्रद्धा। और जिसकी श्रद्धा सात्विक है और शास्त्रों में नहीं मानता वो देवताओं की पूजा करता है। और जो कृष्ण की पूजा करेगा वो क्रमशः क्या हो जाएगा, शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकता है, और उसको पता नहीं है। एक्चुअली जो व्यक्ति सात्विक व्यक्ति है ना, उसको पता नहीं होता कि भगवान कृष्ण है, क्योंकि वेदों का मेन क्या है, ज्ञान क्या है कि हमें कृष्ण को पूजा करनी है और किसी की पूजा नहीं करनी है। भगवान यहाँ श्रद्धा की इसलिए बात कर रहे हैं कि यहाँ भगवान श्रद्धा की बात कर रहे हैं, ना कि असुर और भक्त की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि एक भक्त क्या होता है, एक सात्विक व्यक्ति क्या है, राजसिक और तमोगुणिक व्यक्ति होता क्या है। सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति भक्त हो जरूरी नहीं है, यह मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी हम राजसिक लोगों की बात सुनते हैं, राजसिक लोग कैसे होते हैं, क्योंकि सात्विक लोग तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको एक एक जगह से अपना कार्य पूरा नहीं हुआ तो किसी और देवी देवता में चले जाएंगे, ठीक है। अभी राजसिक श्रद्धा जो होते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं। अभी राक्षस कौन है, राक्षस मतलब रक्त भक्षति इति राक्षस, रक्त भक्षति इति राक्षस, यानी जो लोग दूसरों का खून पीते हैं आप, है ना, ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। जैसे यहाँ जो लोग मांस मच्छी खाते हैं, मीट खाते हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको क्या बना दिया, अपना आइडल बना दिया, है ना, उसकी आप पूजा कर दे। जैसे सचिन तेंदुलकर, वो राक्षस है देखा जाए तो, क्यों, मांस मच्छी मीट वो सब खाता है, लेकिन लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, राक्षस की पूजा करते हैं। ऐसे व्यक्ति राजसी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति राजसी व्यक्ति है, और वो पूजा किसकी कर रहे हैं, तमोगुणी व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं, यानी वो राक्षस की पूजा कर रहे हैं, है ना। आप देखो इंडिया में बहुत सारे मंदिर है, अमिताभ बच्चन का मंदिर है, और क्या मंदिर है, सचिन तेंदुलकर का मंदिर बना हुआ है, उसको गॉड ऑफ क्रिकेट मानते हैं। अरे गॉड ऑफ क्रिकेट मानते हैं तो वो पहली बार में ही वर्ल्ड कप क्यों नहीं जिता दिया उसने, है ना, पहली बार में ही वर्ल्ड कप क्यों नहीं जिता दिया, जब भी पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा था तो इतने भी 28 साल क्यों लग गए उसको, 20 साल क्यों लग गए क्रिकेट खेलने के बाद वर्ल्ड कप जिताने में, अगर वो गॉड ऑफ क्रिकेट होता तो। भगवान के साथ किसी की कंपैरिजन मत करिएगा। जैसे स्टीफन हॉकिंस बोलता था कि भगवान, देयर इज नो गॉड, लेकिन 2018 में मरा तो भगवान क्या बोलेंगे, देयर इज नो स्टीफन हॉकिंस। तो ये हमें समझना चाहिए। तो ऐसे हम राक्षसी लोगों की पूजा कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर राक्षसी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, क्या हम ऐसे लोगों की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों का मंदिर बनाया है ना। पॉलिटिशियंस लोग जो दूसरों का खून पोते हैं, राक्षस लोग, है ना, मैं क्या बोला, रक्त भक्षति इति राक्षस। तो जैसे लोग राक्षस की पूजा करते हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं, फिर क्या करें, ये सब राक्षस है, हम ऐसे लोगों की पूजा करते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे लोगों की श्रद्धा क्या होती है, राजसी श्रद्धा होती है। और जैसे देखो उनकी मूर्ति बना के पूजा करेंगे, फिर आप देखें साईं बाबा, ठीक है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहूंगा, जो भी साईं बाबा को यहाँ पर मानते हो,
ये क्या है, साईं बाबा कहाँ थे, कि कहीं शास्त्रों में उनका उल्लेख है, कहीं भी नहीं है। बस आए लोगों ने उनको भगवान मान लिया और उसकी पूजा करते हैं। आजकल सबसे ज्यादा मंदिर है ना साईं बाबा का चल रहा है, घर के बाहर है ना, आपका धंधा नहीं चल रहा होगा, आपकी दुकान के बाहर एक साईं बाबा की मूर्ति लगा दो, देखो आप करोड़पति बन जाओगे एक साल के अंदर। वो कहाँ है, उसका उल्लेख कहाँ है शास्त्रों में? चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख शास्त्रों में है, उसकी पूजा की जाती है ना, वो कृष्ण के रूप है, भागवतम में उल्लेख है। कलयुग का जो कली में अवतार होगा उसका उल्लेख है, हम नरसिंह देव की पूजा करते हैं उनका उल्लेख है। शास्त्रों के हिसाब से जाइए ना, अपने मनमाने ढंग से क्यों पूजा कर रहे हैं? फिर तमोगुणी व्यक्ति, अच्छा राजसी व्यक्ति में श्रील प्रभुपाद ऐसे राक्षस के अंदर परपट में एग्जाम्पल दे रहे हैं। हिटलर, एक कलकत्ता में व्यक्ति था हिटलर की पूजा करता था, क्या ऐसा है? ऐसे राक्षसों की पूजा होती है, ठीक है। फिर तमोगुणी श्रद्धा वाले लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं, यानी आप छोटे छोटे गांव में जाओ ना, उनके छोटे छोटे कुल देवी कुल देवता होते हैं, अपने ही बना के रखे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं, है ना। और वो सो कॉल्ड बाबा की पूजा करते हैं, तांत्रिक की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों की पूजा करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं, वो है कौन, ऐसे तमोगुणी लोगों की पूजा करते हैं, है ना। तो हाँ, ये तमोगुणी पूजा में साईं बाबा भी आते हैं, ये शास्त्रों में है ही नहीं, तो तमोगुणी लोग है ना ऐसे लोगों की पूजा करते हैं, ठीक है। फिर इसलिए पता चलेगा कि श्रद्धा के विभाग क्या हैं, और इसीलिए पता चलेगा भगवत गीता पढ़ो, वेद शास्त्र पढ़ो, तो हमें पता चलेगा कि हमें किसकी पूजा करनी है, ठीक है। और अभी अर्जुन के ये प्रश्न का उत्तर तो उसको मिल गया कि ऐसे लोग जो सात्विक हैं, जो देवी गुण वाले नहीं है लेकिन सात्विक हैं, भक्त नहीं है, बस अच्छे लोग हैं, अपने मनमाने ढंग से अच्छाई बना के रखिए, शास्त्रों के हिसाब से अच्छाई नहीं बना के रखिए, तो ऐसे लोगों का होता क्या है? तीन प्रकार की श्रद्धा की हमने बात की भगवान ने यहाँ पे, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की श्रद्धा है, ठीक है। और जो भगवान के भक्त हैं उनकी श्रद्धा कौन सी है? निर्गुण है। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे। मैं ये जस्ट लास्ट लोग का है तो मैं आप कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे। जो अच्छे लोग हैं सतोगुणी हैं, उनका उनको क्या है, अपने मन से पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, ये देखा हमने। जो रजोगुण है वो क्या करते हैं, जो असुर लोग हैं वो रजोगुण तथा तमोगुणी श्रद्धा वाले होते हैं, वो राक्षस या भूत प्रेत की पूजा करते हैं, ये देखा हमने। अभी जो भक्त हैं निर्गुण वाले, उनकी श्रद्धा भगवान में है, वो भगवान धाम जाते हैं, और असुर लोग नीचे के धाम में जाते हैं, और देवी लोग क्या करते हैं, ऊपर के धाम में जाके वापस नीचे आते हैं, ठीक है। लेकिन जिनमें सतोगुणी श्रद्धा है, यानी जो अपने मनमाने ढंग से अच्छाई बना के रखती है, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, ऐसे लोग का क्या होगा, ये भगवान अगले श्लोक से बताएंगे। वो हम अगले सत्र में शायद सोमवार को करेंगे या रविवार को करेंगे, तो हम बताएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। आज मुझसे कुछ भी भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करना, मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही ये बोल रहा था। तो आप प्लीज़ ये लेक्चर को बहुत लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये गलतफहमी दूर हो कि सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी जो हम बोलते हैं वो एक्चुअल में है क्या। श्रद्धा के तीन विभाग इस अध्याय में बराबर तरीके से बताया गया है। तो कृपया आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। अगर किसी का प्रश्न हो तो मैं एक सेकंड रुकना चाहूँगा, नहीं तो फिर मैं बंद करूँगा यहाँ पे अपना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा।